कि सिवाय भ्रष्टाचार के वहां पर कुछ हुआ नहीं, जिसका परिणाम त्रिवेंद्र रावत के रेजिग्नेशन के रूप में आज हमारे सामने आया है। निश्चित ही क्षेत्र की जनता ये चाहती है, क्षेत्र की जनता ये उम्मीद करेगी कि राष्ट्रपति महोदय इसके ऊपर संज्ञान ले, इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहां पर चाहे राष्ट्रपति शासन लागू करके जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने चाहिए। निश्चित ही तैयार है, हम हर बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता हमारे लोग आज जिस तरीके जो नाकामियां इस सरकार की रही हैं उसका जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैंने शुरू में एक बात कही कि ये जो एक करेक्शन की बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भ्रष्टाचार के सिवा कोई डेवलपमेंट का काम उस राज्य में नहीं हो पाया। गरीबों की आकांक्षाओं को के ऊपर वो पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं और आज कहीं ना कहीं उसको छिपाने के लिए ये एक कोशिश है। ओवरऑल सिचुएशन बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्पष्ट दर्शाता है और ये दिखाता है कि ये सरकार पूरी तरीके से फेलियर थी और अपनी नाकामियों को अपने भ्रष्टाचार इस सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचारों के ऊपर पर्दा डालने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है जो जनता आज पूरी तरीके से समझ चुकी है, जान चुकी है और इसका जवाब जब भी चुनाव होंगे लोग उसके लिए तैयार बैठे। थैंक यू। क्या हाल है बॉस? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहद चौंकाने वाली और परेशान करने वाली रिपोर्ट जो कि मुख्यतः पब्लिक डोमेन में है, जिसने ना देखी हो उनको हम लोग दे सकते हैं, मुझे एक्सेस है इस रिपोर्ट का, उस पर इतने अब रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं कि मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक रिपोर्ट है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन रिपोर्ट के नाम से ये रिपोर्ट है और इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट को अंकित करने वाले 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स रविशंकर प्रसाद जी, स्मृति ईरानी जी, एस जयशंकर जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी और जावड़ेकर साहब हैं और जो 4 MOS इसमें थे, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, किरण रिजेजू और बाबुल सुप्रियो जी। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत इस रिपोर्ट से यह है कि इस रिपोर्ट की स्ट्रैटेजी एक ही है और उसका जो उन्होंने आशय भी उस रिपोर्ट में डाला है